फैसले के बारे में हमने अपना स्टेटमेंट अभी इशू किया है और उसमें हमने यही बात कही है कि इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है और ये जस्टिस डिलेड भी है, जस्टिस डिनाइड भी है कि एक तो बहुत लंबे पीरियड के बाद, 28 साल के बाद, उसके वेट के बाद, इंतज़ार के बाद ये जजमेंट आया है और जो जजमेंट आया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और जो बिल्कुल क्लियर एविडेंसेस हैं और सारे मुल्क ने, बल्कि सारी दुनिया ने देखा है टेलीविज़न चैनल्स पर और स्पीचेस सुनी हैं, इन सब को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने जिस तरह एक्विट किया है सारे एक्यूज्ड को, तो ये बहुत ही हैरानकुन भी है, सरप्राइजिंग भी है और अफसोसनाक भी है। तो हम समझते हैं कि ये स्टेट की और प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो इसे हायर कोर्ट में लेकर जाए और इस चीज़ को इंश्योर करे कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया और रूल ऑफ द लॉ को वायलेट किया उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सर, ये 1993 का केस है और 7 दिन के बाद ये जो केस है वो कोर्ट को दे दिया गया था। 28 साल के बाद इसका वर्डिक्ट आया है और इस बीच काफ़ी सारे लोगों की मौतें भी हो गई, जिसमें से अब सिर्फ 32 जो मतलब 32 लोग ही बचे हैं इस केस के जो मेन गुनहगार थे। तो आप क्या कहेंगे, इतने साल के बाद भी जो न्याय, क्या न्याय मिला? जी वही मैंने कहा कि इसीलिए जो पहली बात मैंने कही है वो यही है कि जस्टिस डिलेड भी है और जस्टिस डिनाइड भी है। जस्टिस डिलेड इटसेल्फ जस्टिस डिनाइड समझा जाता है, लेकिन यहाँ तो पहले डिले भी किया गया, उसके बाद भी जो बात आ रही है और जो जजमेंट आ रहा है वो इंसाफ के तकाजों के बिल्कुल खिलाफ। आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि इसे ब्लैक डे माना जाए। बहरहाल खैर वो तो उनकी बात है। हम समझते हैं कि अब इस केस को हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सारे एविडेंसेस की जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ सज़ा मिलनी चाहिए। अदालत चाहे जो भी फैसला दे, जो मुल्क की आवाम की जो ज़मीर की अदालत है उसमें तो ऑलरेडी ये बात तय शुदा है कि किन लोगों ने यहाँ इस मुल्क में बाबरी मस्जिद के इनदाम के बाद फ़िरका परस्ती फैलाई, नफ़रत फैलाई, मुख्तलिफ़ फ़िरकों के दरमियान दूरियाँ पैदा की और इस मुल्क को जो यहाँ पे सदियों से लोग मिलजुल कर रहते थे वहाँ नफ़रतों का बाजार गर्म किया। तो तारीख गवाह है, तारीख का जजमेंट मौजूद है, मुल्क के अवाम का जजमेंट मौजूद है, तो ये तो रिकॉर्ड पर हैं। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि स्टेट को हायर कोर्ट में इस केस को लेकर जाना चाहिए। जो भी दोषी हैं आज जब फैसला उनके फेवर में आया तो वो जश्न मना रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिक्स तो इसी पर डिपेंड करती है, वो हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि वो नफरतें फैलाते हैं, दंगे भड़काते हैं और फिर उसके बाद उसको खुशी मनाते हैं, तो वो तो मनाएंगे। लेकिन जो मुल्क के इंसाफ पसंद लोग हैं यकीनन उनको बहुत दुख हुआ होगा और वो सब ये महसूस कर रहे होंगे कि इस केस को अगले कोर्ट में जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था ये लोग गिल्टी पाए गए हैं, तो ये जो जजमेंट आया है इसके बारे में आपको क्या लगता है? हमने अपने बयान में ये बात कही है कि ये जजमेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और जो क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं, जो जिस पर इससे पहले भी बात होती रही है कोर्ट्स में और उसके अलावा पूरे मुल्क के अवाम के सामने हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बातें आती रही हैं और ये जो क्राइम है वो कोई ढके छुपे छुपे किया गया क्राइम नहीं है कि जिसमें एक से ज़ायद ओपिनियन हो सकते हैं। ये दिन दहाड़े मीडिया ग्लेयर में, सारी दुनिया के मीडिया के सामने, सारे मुल्क के सामने की जाने वाली हरकत है। तो किसकी क्या स्पीचेस रही हैं वहाँ उस दिन, किसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, कौन क्या करता रहा है, ये सब सारी दुनिया जानती है। तो इतने क्लियर फैक्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह जजमेंट दिया गया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और यकीनन रूल ऑफ द लॉ का रिस्पेक्ट करना और उसको सेफगार्ड कराना सबसे ज़्यादा कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट्स ही इस तरह का जजमेंट देते रहेंगे तो इससे हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ द लॉ की सिचुएशन है उसके लिए एक सीरियस थ्रेट ये चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए इस फैसले को हमने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग करार दिया है। ये जस्टिस डिलेड भी है और जस्टिस डिनाइड भी है। इस फैसले को चैलेंज किया जाना चाहिए और हायर कोर्ट्स में से लेकर जाना चाहिए।
मेरा सवाल यह है कि जब लोअर कोर्ट ने फैसला देकर उन्हें बरी कर दिया गया, तो क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं हायर कोर्ट भी जो है उनको गिल्टी पाई गई या इस पे इनके मतलब कुछ एक्शन लेंगे? उम्मीद की बात नहीं है, असल तो जाहिर है कि ये हायर कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, उसी लिए हायर कोर्ट्स बनी है कि अगर इतने सीरियस क्राइम को जिसका जो नुकसान है उसे पूरे मुल्क ने भुगता है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क में नफ़रतें, कम्युनलिज्म, फ़िरका परस्ती फैली है, और सुप्रीम कोर्ट के और दीगर कोर्ट्स के क्लियर गाइडलाइंस को ओपनली बरसरेआम चैलेंज करके वायलेट किया गया है, ऐसे क्राइम्स को अगर कोर्ट्स ओवरलुक करते रहें और जो एक्यूज्ड है उनको एक्विट करते रहें, तो जाहिर है कि रूल ऑफ द लॉ के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर कोर्ट्स की कि वो एविडेंस की बुनियाद पर जजमेंट दें और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा दिलाएं। क्या मुसलमान जजमेंट के बाद ये समझें कि आने वाला जो दिन होगा मुसलमान के लिए वो ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि उनका टारगेट अब जो है बनारस की ईदगाह है, मथुरा की ईदगाह है, इसके बारे में उन्होंने सुनकर रेस करना शुरू कर दिया? बहरहाल हम समझते हैं कि इस सिलसिले में कानून मौजूद है हमारे मुल्क में, और उस कानून के ज़रिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1993 का, उसके ज़रिए मुल्क की तमाम इबादतगाहों को प्रोटेक्शन फराहम किया गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की और तमाम एजेंसीज की स्टेट के कि वो इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं और जो लोग भी इसके खिलाफ बयान वगैरह दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, अदालत के सिलसिले में जो कोशिशें हो सकती हैं, जो जुडिशल एफर्ट्स हो सकते हैं वो भी जारी रखने चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर मुल्क के अवाम के ज़मीर पर दस्तक देना चाहिए, उनको सारे हकायक बताना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह के जज्बाती इश्यूज उठाना और उसके ज़रिए लोगों के जज्बात से खेलना, फ़िरका परस्ती फैलाना, नफ़रत फैलाना, ये किसी के भी हक में नहीं है। ये सिर्फ इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। आग जब लगती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, सबको जलाती है। फ़िरका परस्ती, नफ़रत, ये भी एक तरह की आग है। तो ये बात मुल्क के अवाम को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुसलमान हर हालत में पॉजिटिव एफर्ट्स में, कोशिशों में यकीन रखते हैं, उन्हें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए।